श्री ज्ञानेश्वर माऊलीच्या संजीवन समाधी सोहळ्याच्या 61 निमित्त ज्ञानेश्वरी पारायण व संत दर्शन सोहळा आयोजित करण्यात आला आहे. मोतीनगर येथील शिरभाते मंगल कार्यालयात पारायण व प्रवचन होत आहेत. येथे सिटी न्यूजचे संचालक संपादक चंदू सोजतिया यांचा भावपूर्ण सत्कार करण्यात आला. ग्रंथराज ज्ञानेश्वरीचं पारायण शिरभाते मंगल कार्यालयात सुरू आहे. 9 फेब्रुवारीपासून सुरू झालेल्या या सोहळ्यात संतांचा पावन पदस्पर्श होतो आहे. अंजनगाव सुरजी श्रीनाथ पीठाचे अधिपती पूजनीय श्री जितेंद्रनाथ महाराजांनी या सोहळ्यामध्ये प्रवचन केलं. जितेंद्रनाथ महाराजांच्या हस्ते सिटी न्यूजचे संचालक संपादक चंदू सोजतिया यांचा हृदय सत्कार करण्यात आला. प्राईड ऑफ इंडिया अवॉर्ड मिळाल्याबद्दल चंदू सोजतियांचा सत्कार करण्यात आला, तर संतांचे आशीर्वादही लाभले. यावेळी हरिभक्त परायण कृष्णदास महाराज, हरिभक्त परायण पेन्नोरे महाराज उपस्थित होते. गेल्या 61 वर्षांपासून हा सोहळा येथे आयोजित करण्यात येतो. यंदाही 15 फेब्रुवारीला दुपारी 3 ते 6 दरम्यान आळंदी येथून आलेल्या ज्ञानेश्वर माऊलीच्या पादुका व पंढरपूर येथे अभिषिक्त मूर्तीची भव्य पालखी परिक्रमा करण्यात येते, तर सायंकाळी गौरव महाराष्ट्राचा फेम धनश्री देशपांडे भक्ती संगीत सोहळा सादर करणार आहे. 16 फेब्रुवारीला संतपूजन, आशीर्वचन, कीर्तन, गोपालकाला, महाप्रसाद असा भरगच्च कार्यक्रम पूजा कॉलनी सहरी मंगल कार्यालयात साजरा करण्यात येत आहे. या कार्यक्रमांचा भाविकांनी लाभ घेण्याचं आवाहन आयोजकांनी केलं आहे. 8 संतांचं प्रवचन असते आणि विशेष म्हणजे सगळ्या अमरावतीकरांना लाभ घेता येईल तो असा की या सगळ्या पंढरपूरच्या मूर्त्या, माऊलीच्या पादुका आणि सगळे संतांना घेऊन एक परिक्रमा, विशाल परिक्रमा अशी शोभायात्रा निघणार आहे. सकल संतांचे त्यामध्ये प्रतिमा असणार आहे, तर संपूर्ण अमरावतीच्या जनतेने त्या माऊलीच्या मागे आलं पाहिजे. 15 तारखेला दुपारी 3 ते 6 ही परिक्रमा निघेल, त्या सहभागी व्हा. त्यानंतर ही परिक्रमा सगळ्या मूर्त्या घेऊन नरहरी मंगल कार्यालय या ठिकाणी जाईल पूजा कॉलनीमध्ये आणि त्या ठिकाणी देवता स्थापन होतील. संध्याकाळी 7 ते 9 धनश्री देशपांडे ज्या महागायिका आहेत त्या आपल्या भक्तिगीताचा कार्यक्रम देणार आहे. 16 तारखेला सकाळी 9 ते 11 आलेल्या सकल संतांचा पूजनाचा, सत्काराचा, आशीर्वचनाचा भव्य सोहळा होणार आहे आणि मग 11 ते 1 काल्याचा कीर्तनाचा सोहळा होईल. अभूतपूर्व असा कार्यक्रम आहे, आनंदी आनंद आहे. सकल अमरावतीकरांनी या उत्सवाचा, महाप्रसादाचा, दर्शनाचा लाभ घ्यावा अशी मी या निमित्ताने सगळ्यांना विनंती करतो. आज यहाँ संतों के बीच मुझे जो सम्मान मिल रहा है वह बहुत छोटा है. आज का यह सम्मान उससे भी ज्यादा बड़ा और मेरे लिए ज्यादा प्रेरणा देने वाला है. क्योंकि बाहर सम्मान मिलते रहता, सत्कार होते रहता है, लेकिन एक संत के मंच पर जब यह गौरव मुझे प्राप्त हो रहा है तो इससे बड़ा गौरव और दूसरा नहीं हो सकता. मैंने टीवी के माध्यम से जो मेरी टीम के साथ, आप सबके साथ जो भी मेरे इस परिवार से जुड़ा सारा अमरावती, सारा शहर, आसपास के नागरिक सभी इस चीज के लिए इसमें उतने ही शामिल है जितना मैं वहां सम्मान लेने के लिए मात्र एक आपका प्रतिनिधि था. सम्मान आपका ही है, आपके द्वारा मुझे दिए गए कार्यों का, आपके द्वारा जो मुझे प्रोत्साहन बार बार दिया जाता रहा उसी का है. शुरुआत इसकी तब हुई थी, मुझे भी लगा कि हाँ ऐसा हो सकता है. 2 साल पहले ट्रेन की पटरियों की कुछ क्लिप्स निकाल दी गई थी और वहां से ट्रेन गुजर जाती तो शायद हादसा हो सकता था. वह मेरी नजर में आया. मैंने तो भी जब कोई ऐसे ही व्यक्ति फोन करते हैं तो ही तुरंत कार्रवाई होती है. यदि कोई आम नागरिक फोन करता तो शायद वो इतने तत्परता से वहां नहीं आते और यह हादसा हो सकता था. तो आप लोगों ने जो मुझे इस लायक उस समय बनाया कि प्रशासन मेरी बात सुन सके,
नहीं तो वहां सब हो सकता था। और उसके बाद में मैंने पहले इस चैनल को कभी भी न्यूज का और कमर्शियल माध्यम नहीं बनाया, मैं हमेशा समाज सेवा के लिए ही इससे जुड़ता रहा हूं। मुझे इससे आर्थिक आय की कोई आवश्यकता नहीं है, इसलिए मैं मेरी टीम हमेशा समाज के लिए जो अच्छा है, देश के लिए जो हित में है, अपने शहर के लिए जो अच्छा है, वैसे ही कार्य इस माध्यम से करते आ रहे हैं। हमारा काम सिर्फ मात्र एक समाचार देकर वहां पर रुक जाना नहीं होता। यदि कोई व्यवस्था बिगड़ी है तो जब तक वो व्यवस्था सुधर नहीं जाती हम उसके पीछे लगे रहते हैं, और यही सारे कारण बने हैं इस पुरस्कार के लिए। समाचार सभी देते हैं, मुझसे अच्छे भी देते हैं, मीडिया पर मुझसे अच्छा भी प्रसारण होता होगा। मैं एकमात्र छोटा सा इस क्षेत्र में हूँ, बहुत बड़ी बड़ी प्रतियोगिता इस साथ में है। सबसे ज्यादा अहम बात कि मुझे यह पुरस्कार जब अमरावती में इसका सर्वे हुआ तो महाराष्ट्र में बताना चाहूंगा कि अमरावती में एक भी व्यक्ति ने हमारे इस चैनल के बारे में गलत नहीं कहा। यह सब आपका आशीर्वाद है जिसके कारण मुझे यह सम्मान मिला और आपका प्रेम है, और यह अवार्ड मुझे निश्चित एक बड़ी जिम्मेदारी इसके साथ में भी मुझे सौंप दी गई कि जो कार्य मैंने आज तक किया वो मुझे शायद हो सकता दोगुना तीगुना चौगुना करता हो, और आपका आशीर्वाद रहा और ऐसे संतों को मुझे आशीर्वाद है तो निश्चित मेरे काम में आगे